लेगा, अलार्म बजा देगा, फिर पुल कोड का हम लोग रस्सा खींच लेंगे, कन्वेयर बंद हो जाएगा। तो देखो इतना सारा चीज है कन्वेयर से क्वेश्चन बनता है। हो सकता है अगर कन्वेयर से जो क्वेश्चन आने का रहे तो हम जितना बताए हैं इसमें से एक क्वेश्चन कन्वेयर का आना चाहिए। चार इधर बताए, कुछ लिख के बताए हैं, कुछ तुम लोग सुने होगे तो उसको ध्यान रखना माइंड में। जो होलेस्ट्रेक होता है इसका एग्जामिनेशन कितने दिन में करना चाहिए? तो इसी तरीके सिंगल क्वेश्चन तुम लोग आएगा, वो लड़का लोग वहां एग्जाम में कंफ्यूज करेगा कि होलेस्ट्रेक है, इसका एग्जामिनेशन 6 दिन में करेंगे, 7 दिन में करेंगे, 14 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, जल्दी से बताओ। कोई लड़का बी बोल रहा है ना, देखो बी वाला क्यों है यार, विकास बाबू कैसे चलेगा ऐसे? तुम लोग तो पढ़ रहे हो यार, तुम लोग हमेशा ध्यान ये सब रहना चाहिए कि हॉलेज ट्रैक का, हॉलेज रोडवे का कितना दिन में जांच किया जाएगा। कभी ये सब भूलने वाला चीज नहीं है, ठीक है? भले हम भूल जाए क्योंकि तो हमको बहुत सारा चीज पढ़ाना रहता है। सभी लोग क्या बोल रहे हो कि हॉलेज रोडवे, हॉलेज ट्रैक है एक तरीके से, उसकी जांच कितने दिन में करेंगे? 7 दिन में करेंगे, ठीक है? थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे तुरंत अभी। एवरी हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे इंक्लूडिंग रोडवे लीडिंग टू ऑल द आउटलेट ऑफ द माइन विच आर इन यूज इज एग्जामिन्ड बाय, किसके द्वारा एग्जामिन किया जाएगा? एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज रोडवे प्रत्येक 7 दिन में तो ऊपर लिख ही दिया गया है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ओवर मैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना? ओवर मैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, इसका ये ऑप्शन नंबर डी, इसका ध्यान रखना है तुम लोग। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन इसलिए कर देते हैं कि तुम लोग थोड़ा सा कहानी जैसा है ना कुछ याद रहेगा कि सर ऐसा बोले थे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत सारा चीज होने वाला है कि मेरा आवाज एग्जाम में गूंजने वाला है तुम लोग के कानों में कि सर ऐसा ये बताए हुए थे, ठीक है? तो एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे शेल बी डन वंस एट लीस्ट एवरी मंथ, प्रत्येक फोर्टनाइट में, 2 सप्ताह में एक, 1 सप्ताह में 2 बार, 1 महीना में 1 बार, या वंस इन ए वीक, एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 डेज, या एटलीस्ट वंस इन ए वीक, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये बताओ एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन सेट हुआ है नहीं लग रहा 99 नंबर रेगुलेशन सेट हुआ है। तो एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज रोडवे एंड ट्रेवलिंग रोडवे कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है? फोर्टनाइट मीन्स हर एक 14 दिन में, ठीक है ना? फोर्टनाइट मतलब हर एक 14 दिन, ये रेगुलेशन नंबर 99 में दिया हुआ है। दो हॉलेस्ट ट्रैक है, मान लो ये एक हॉलेस्ट ट्रैक है, ठीक है? ये साइड में पिलर बना हुआ है, पिलर का शेप कौन सा लेते हैं हम लोग? जो रेगुलेशन में दिया हुआ है एच पर सी एम आर, शेप ऑफ पिलर क्या होना चाहिए? रोम्बस होना चाहिए, ट्रेंगुलर होना चाहिए, या स्क्वायर होना चाहिए, जल्दी से बताओ। एच पर सी एम आर शेप ऑफ पिलर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए या रोम्बस होना चाहिए या ट्रेंगुलर होना चाहिए या नन ऑफ द एबव? तो जो लोग भी बोल रहे हो रेक्टेंगुलर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो पिलर का साइज कैसा होना चाहिए, शेप होना चाहिए रेक्टेंगुलर। तो ये बताओ ये होलेज ट्रैक है, ठीक है? तो होलेज ट्रैक का ये साइड से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ये होलेज ट्रैक का साइड से मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्लियरेंस कितना होना चाहिए? सभी लोग बोल रहे हो 1 मीटर, बिल्कुल वो सही बोल रहे हो। अब ये दूसरा होलेज ट्रैक है, ठीक है? ये दूसरा होलेज ट्रैक है, तो दो होलेज ट्रैक के बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए, दो होलेज ट्रैक के बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए?
जो 0.75 मीटर बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत बोले हो, ठीक है। तो दो ट्रैक के बीच में भी ये डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए। तो हमेशा ट्रैक का साइड से या दो ट्रैक के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होगा। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, ये हम हॉलेज का हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये हॉलेज है, ये स्लीपर है, तो ये इसके बीच का हम गैप नहीं पूछ रहे हैं, ये हम नहीं पूछ रहे हैं। इसको गेज बोला जाता है, ये हम नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि एक ट्रैक ये है ऐसा दिया हुआ, दूसरा ट्रैक ऐसा दिया हुआ है, तो दोनों के बीच में गैप क्या होगा। हॉलेज रास्ता को हम लोग इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं ना प्लान में, तो हम वो फिगर ड्रॉ किए हुए। क्वेश्चन कितना बनने लगता है ना आदमी, जो रनवे स्विच लगाते हैं रनवे स्विच प्लस, मतलब एक हम लोग रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है ना। स्टॉप ब्लॉक लगाते हैं, रनवे स्विच लगाते हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है डिस्टेंस की। लेंथ ऑफ से टॉप टब, लेंथ ऑफ से टॉप टब्स प्लस 10 मीटर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग के लेवल का एग्जाम के लिए। टब री रेलर कितना इंटरवल पे लगाते हैं, टब री रेलर, टब री रेलर, टब री रेलर क्या होता है कि टब मान लो पलटी कर गया, ठीक है। तो हॉलेज ट्रक में इस तरीके से टब री रेलर लगा देते हैं इस तरीके से। अब क्या है कि टब को सीधा करके उसका व्हील को इसमें रख देना है, धकेलेंगे पीछे से लाइन पकड़ लेगा। टब री रेलर एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 250 मीटर, नॉट मोर देन 250 मीटर, ऐसा आंसर हो सकता है या ऐसा आंसर हो सकता है। दोनों का वैल्यू, दोनों का मीनिंग सही है। 250 मीटर से ज्यादा नहीं, मतलब क्या कि 250 मीटर या उससे कम पे लगाना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डाटा यह ध्यान रखना है, नहीं तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो सभी को तो पता है कि 250 मीटर के इंटरवल पे लगाना है, लेकिन लेस देन लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है, वो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का गलत होना है। जब हॉलेज रोडवे का लेंथ कितना से अधिक हो जाएगा, ऑन एवरी हॉलेज रोडवे एक्सीडिंग 10 मीटर इन लेंथ, मतलब कितना मीटर से अधिक लेंथ होने पे जो सिग्नल के लिए, जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल के लिए जो है ना, मतलब इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। जब हॉलेज रोडवे का लेंथ कितना से अधिक हो जाएगा तो ट्रांसमिटिंग मीन्स ऑफ, मतलब बातचीत कम्युनिकेशन के लिए सिग्नलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। एक तरह से बातचीत करने के लिए नहीं, मतलब घंटी मार के रोकने के लिए, ठीक है ना। 30 मीटर क्यों, क्योंकि जैसे मान लो एक टब यहां से चला, ठीक है ना, ये टब यहां से चला और ये डिस्टेंस 30 मीटर या उससे कम है, तो क्या होगा कि ये आदमी यहाँ का बोल सकता है, इसको बोल के यहाँ पे है ना 30 मीटर तक आवाज सुनाई दे सकता है, चिल्ला के बोलेगा टब जा रहा है खबरदार, तो सुन लेगा। लेकिन 30 मीटर से जब ज्यादा डिस्टेंस होगा ना, तो क्या करेगा, सिग्नलिंग सिस्टम रखेगा यहाँ पे कि घंटी मारो तो रोकना है, या मान लो हॉलेज क्लासी इधर से 30 मीटर तक देख लेगा क्लियरली, या हो सकता है वहां आवाज सुन लेगा, लेकिन 30 मीटर से ज्यादा के लिए क्या करना है, मतलब सिग्नलिंग सिस्टम यूज करना है। और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम कितना डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। जब क्वेश्चन कन्वेयर में घुसे हुए हैं तो पूरा क्वेश्चन करवा ही देते हैं। 300 मीटर से ज्यादा कम क्या है,
वेयर इन एनी माइन बिलो ग्राउंड, किसी भी बिलो ग्राउंड माइंस में जहां पे सिस्टम ऑफ हॉलेज रोडवे चल रहा है या कन्वेयर चल रहा है, और अगर डिस्टेंस जो है मोर देन 300 मीटर हो जा रहा है, जब डिस्टेंस मोर देन 300 मीटर हो जा रहा है, तो वहां पे बिटवीन द एंड ऑफ एवरी सच सिस्टम एंड द बॉटम एंड टॉप ऑफ द शाफ्ट, मतलब ये शाफ्ट का टॉप हो गया, ये शाफ्ट का बॉटम हो गया, और शाफ्ट बॉटम से किसी जगह का दूरी 300 मीटर से ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा वहां पे, कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 300 से ज्यादा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो सिग्नल वायर होता है, जो हम लोग घंटी के लिए यूज करते हैं सिग्नल वायर, तो उसको इंसुलेटर में सपोर्ट किया जाता है ना, इंसुलेटर में ऐसा करके बांध के वायर आता है, दो वायर आएगा, एक वायर में तार लटका देगा और दूसरे को रगड़, मतलब इसी को वायर को ऐसे रगड़ेंगे तो स्पार्क भी निकलता है और वहां पे बेल भी बजेगा। पहली बार हम लोग जब यूज करते थे तो जिसका आदत हो जाता है रेगुलर, तो उसको झटका नहीं लगता है, जब हम लोग मारते थे कभी घंटी तो झटका लगता था। इसका टेम्परे मतलब वोल्टेज कितना सा अधिक नहीं होना चाहिए, जो सिग्नल वायर जिसके इंसुलेटर में सपोर्ट किया जाता है शैल नॉट बी एनर्जाइज्ड एट ए वोल्टेज मोर देन 30 वोल्ट, मतलब 30 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट पे उसको एनर्जाइज नहीं करना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन बता दिए हैं, आने का रहेगा तो आएगा। अब मेन होल के बारे में सभी को पता ही है, ट्रेवलिंग रोड में बाकी वो चीज बता ही दिए थे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वाला, और प्लेटफॉर्म 10 मीटर पे रहेगा। टू टब को कब हम लोग बोलेंगे क्लोज सक्सेशन में है, टू टब्स को कब हम लोग बोलेंगे कि क्लोज सक्सेशन में है, अभी हम इस क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पहला टब है, ये दूसरा टब है, तो दो टब को कब बोलेंगे कि क्लोज सक्सेशन में है, जब एनी टाइम उसके बीच अगर डिस्टेंस लेस देन 10 मीटर होगा, मतलब लेस देन 10 मीटर डिस्टेंस होगा, तो क्या बोला जाएगा कि टब क्लोज सक्सेशन में है। और कब बोलेगा दो टब टेंडम में है, टू टब्स आर सेड टू बी टेंडम, टेंडम मतलब दो टब को बोलेगा लंब लगातार एकदम सट के खड़ा है, जब गेट बिटवीन मतलब जब गैप रहेगा, ये मान लो बफर निकला हुआ रहता है और ये भी टब है, ये है, तो जब गैप बिटवीन इनर मोस्ट एंड्स सेल नॉट बी लेस देन 20 सेंटीमीटर, ये जब गैप है ना 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये टब को क्या बोला जाएगा, टू टब्स आर इन टेंडम। जो टब होता है ये हॉलेज का टब हो गया, ठीक है, टब हो गया, इसमें ड्रॉबार वगैरह लगा हुआ रहता है, तो इसका जांच कितना दिन में करना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है इसका जांच कितना दिन में करेगा, कपलिंग चेन, सेफ्टी कैच। चौदह दिन में जांच करेगा, ठीक है, ठीक है, इधर इतना पढ़ा दिए तुम लोग, काफी है, क्वेश्चन अगर आएगा तो बन जाएगा। अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे, कहाँ था क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे, कि लोकोमोटिव सेल नॉट बी यूज्ड इन माइन बिलो ग्राउंड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ, लोकोमोटिव को अगर अंडरग्राउंड में यूज करना है तो किसका परमिशन लेना होगा, किसी का परमिशन लेना होगा क्या, सभी लोग बी बोल रहे हो, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, क्योंकि हम जो बुक खोल के रखे हैं उसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं कि किससे परमिशन लेना है, तो तुम लोग का ही आंसर सही मान के, क्योंकि सभी का कॉमन आंसर सीआईएम आ रहा है, तो हम इसको सही कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, नॉन लोकोमोटिव सेल बी यूज इन वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक एक्सीड्स एटलीस्ट, कितना से अधिक ग्रेडियंट होने पर वहां पर लोकोमोटिव यूज नहीं किया जाएगा,
1 in 15। लोकोमोटिव मतलब क्या, जैसे मान लो हम लोग ट्रेन देखे हो ना, ट्रेन में एक इंजन होता है, ये इंजन हो गया, और बाकी क्या रहता है, बोगी रहता है, ये ट्रेन पूरा सबको खींचता है, ये ट्रेन जो है इंजन जो है पूरा सबको खींचता है, तो ये पूरा कहलाता है सेट लोकोमोटिव। उसी तरीके से अंडरग्राउंड में जैसे डीजल लोको हो गया, मतलब क्या, डीजल इंजन है और वो किसके साथ अटैचमेंट है उसको खींच रहा है, ये पूरा को सेट जो है ना उसको हम लोग लोकोमोटिव बोलते हैं। ये रेगुलेशन नंबर 100 में दिया हुआ, 100 नंबर रेगुलेशन। होल, अब क्या है कि होल रोड इन ओपन कास्ट वर्किंग हैविंग वन वे ट्रैफिक है। ओपन कास्ट वर्किंग में होल रोड वन वे है, तो उस केस में होल रोड का चौड़ाई क्या होगा, वन वे मतलब क्या, ये एक तरफ से गाड़ी जा रहा है और दूसरे तरफ से इस तरीके से गाड़ी आ रहा है, तो कितना होगा, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन द रोड प्लस 5 मीटर। तो ये ऑप्शन खोज लेना अच्छे से और टिक कर लेना। और जब वन वे ट्रैफिक नहीं रहता तो क्या रहता है, एक ही बार लंबा चौड़ा रोड बनाते हैं, अब बोलते जाओ जिसको जाना है, तो क्या हो जाता, 3 times W+5 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला कंडीशन दिया हुआ है तो W+5 हो गया। ठीक है, मिनिमम विड्थ ऑफ द रोड शुड बी हाउ मेनी टाइम्स द लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन द रोड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन तुमको देख के चेक चूज करना है, क्योंकि इसका हम लोग पढ़े हैं कि वन वे पढ़े हैं, वन वे ट्रैफिक जब पॉसिबल नहीं है वो पढ़े हैं। देख लो, एक केस में था W+5 और एक केस में था 3W+5, तो दोनों में कौन सही है, ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, ये है एक 3 times+5 वाला है। 3 times+5 मतलब क्या, 3 times किसका, लार्जेस्ट व्हीकल का रोड का प्लस, मतलब लार्जेस्ट व्हीकल का चौड़ाई प्लस 5 मीटर, तो ऑप्शन बी हो गया। 1 मिनट, कौन बार बार इधर बेल बजा रहा है, क्या हो गया इग्नेश? इग्नेश अभी ज्यादा लोग मतलब को डाउट पूछना, डाउट जिसको भी आ रहा है हल्का सा नोट करके लिखना रखना, हम लास्ट में बता देंगे। जल्दी से बताओ इग्नेश, क्योंकि क्लास अभी 1 घंटा और ले सकते हैं। अरे नहीं पूछना है क्वेश्चन, लड़का दरवाजा बंद कर रहा है। बोलो विकास, विकास फास्ट। चलो हम साइलेंट कर लेते कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बीच में एक बार लास्ट में तुम लोग डाउट लिख के रखना, लास्ट में हम क्लियर कर देंगे सभी डाउट, आएगा तो क्लियर कर देंगे, नहीं आएगा तो फिर कल क्लियर करेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन, एज पर DGMA सर्कुलर इशूड, जो भी कॉर्नर और बेंड्स होता है ऑन रोड शैल बी मेड इन सच वे दैट द ऑपरेटर का जो क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए, नॉट लेस देन, मतलब कॉर्नर और बेंड पे ऑपरेटर को क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 times द ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस 3 times द ब्रेकिंग डिस्टेंस एट स्पीड कितना था, 40 km/h। कि जब 40 km/h है तो कम से कम जब ब्रेक अप्लाई करेगा, जब गाड़ी रुकेगा, तो वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो उसी को ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला, मतलब 3 times द ब्रेकिंग डिस्टेंस। होल रोड विथ टू सेपरेट रोड्स ऑफ विड्थ, जो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है कि होल रोड क्या है, होल रोड लेकिन दो सेपरेट रोड है उसके लिए, और जब इट इज नॉट पॉसिबल टू इंश्योर ए विजिबिलिटी, और जब पॉसिबल नहीं है विजिबिलिटी इंश्योर करना, इज डेस ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन द रोड। होल रोड विथ टू सेपरेट रोड ऑफ विड्थ, अच्छा मतलब ये कॉर्नर और बेंड पे क्या है, क्या हम लोग को यहाँ पे विजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ये वाला चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं आ रहा है, 3 times द ब्रेकिंग डिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम लोग बीच में डिवाइडर बना देते हैं और दो सिंगल सिंगल रोड बना देते हैं, ये सिंगल रोड खाली कॉर्नर के पास, फिर उसके बाद आगे जाए चलकर क्या होगा, आगे चलकर ये रोड फिर सिंगल हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा खाली बीच में कॉर्नर के पास। ये कितना होता है, 2W+3, ये नॉट लेस देन 2 times ऑफ द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 3 मीटर, तो ये ऑप्शन ए हो गया। डी कौन बोल रहे हो, ये विजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कॉर्नर बेंड वाला क्वेश्चन है, तो कॉर्नर बेंड पे हम लोग क्या करते हैं,
कि हम लोग रोड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका क्या होगा, 2W+3 वहां पे, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो गया, चंद्रकांत। पुराना वाला कुछ अलग डाटा था, पुराना वाला डाटा नहीं रटना है, नया वाला डाटा रटना है सभी को, ठीक है। पुराना डाटा कुछ अलग था तो पुराना डाटा के बारे में किसी को नहीं सोचना है अभी। बाकी ये 3×+5 वगैरह जो है ये अलग चीज है, ठीक है ना। ये क्या बताएं, जब वन वे ट्रैफिक पॉसिबल नहीं है उस केस में, ये सब डाटा गलत दिया हुआ है, ठीक है। किसको डिफाइन करना है एक बार, विशाल? व्हाट शुड बी द ग्रेडियंट ऑफ होल रोड इन ओपन कास्ट वर्किंग? ओपन कास्ट वर्किंग में होल रोड का ग्रेडियंट क्या होता है, ये ऑप्शन बताना, ठीक है ना। वो ऑप्शन छोड़ दो, भूल जाओ वो ऑप्शन क्या दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है? क्या बात कर रहे हो यार, कुंदन उपाध्याय डी नंबर, ऑप्शन बी एंड सी। ए कौन बोल रहा है यार, क्वेश्चन समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि होल रोड का ग्रेडियंट इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, होल रोड का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि होल रोड का ग्रेडियंट 1:16 से स्टीपर नहीं होना चाहिए। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग का फिर भी गलत हो जा रहा है, हो जा रहा है ना गलत। तो सोचो यही सब सिली मिस्टेक होता है कि 1:16 से स्टीपर नहीं, मतलब क्या 1:15, 1:14, 1:13 नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों केस दिए हुए हैं कि ये क्या दिया हुआ है कि <1:16 होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। नॉट मोर देन 1:16 होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। मतलब ऑप्शन बी एंड सी दोनों, क्या दिक्कत है इसमें? ये साइन को तो पहचानना सीखो, हम साइन जो यूज कर रहे हैं। अरे यार बी एंड सी, बी बी क्यों बोल रहे हो यार, सिर्फ बी मत बोलो ना, बी एंड सी दोनों बोलो, मतलब ऑप्शन डी बोलो यहाँ पे। सभी को क्लियर हुआ ये चीज? क्योंकि इस टाइप में तो सभी लोग इजिली टिक कर लोगे, लेकिन जैसे यही दे देगा तो फिर वहां तो सभी का दिमाग घूम जाएगा ना वहां पे, क्योंकि एक बार घुमाया है सभी का। साइन समझ में नहीं आता है, साइन समझ में नहीं आता, मतलब ये सो साइन है ना, ग्रेटर देन का साइन है। मतलब क्या होल रोड का ग्रेडियंट 1:16 से अधिक होना चाहिए, ये ग्रेटर देन का साइन है। तो 1:16 से अधिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेस देन 1:16 होना चाहिए, लेस देन तो 1:16 होना चाहिए, लेकिन क्या है कि इक्वल टू भी होना चाहिए, कि 1:16 तक हो सकता है, बाकी लेस रहेगा चलेगा। ये क्या है कि नॉट मोर देन, ये ग्रेटर देन था, ये मोर देन था, ये नॉट मोर देन है, ठीक है ना। तो मतलब होल रोड का ग्रेडियंट 1:16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन दोनों सही है। ग्रेडियंट ऑफ रोप, रोप नहीं रैंप, शैल नॉट बी स्टीपर देन। रैंप का ग्रेडियंट किससे स्टीपर नहीं होना चाहिए? 1:10। ग्रेडियंट इधर क्या बोल रहे हो, ये सी ऑप्शन बोल रहे हो, सही है। तो ग्रेडियंट ऑफ रैंप शैल नॉट बी स्टीपर देन 1:10, ठीक है ना। अ ग्रेडियंट ऑफ होल रोड, मतलब ग्रेडियंट ऑफ रैंप, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि ग्रेडियंट ऑफ रैंप क्या होना चाहिए, हम ये पूछ रहे हैं, नॉट नहीं पूछ रहे, ग्रेडियंट ऑफ रैंप क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सही है?
साइन तुम लोग को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं यहीं से हम। तो क्या हो गया, 1 in 10 से शीपर नहीं होना चाहिए, मतलब ये लेस देन इक्वल टू है ना, कि 1 in 10 तो हो सकता है या उससे लेस हो सकता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लेस दिया हुआ लेकिन इक्वल टू छूट गया है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। 1 in 11 से स्टीपर नहीं होगा, 1 in 10 से स्टीपर नहीं होगा। यहाँ क्या पूछे थे कि रैम का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, हम ये पूछे हैं क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 1 in 10 से लेस या उसके इक्वल होना चाहिए, तो मतलब यही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये ऑप्शन में दोनों चीज आ गया है, तो ये ऑप्शन को हम लोग गलत करना होगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रैंप इन वन स्ट्रेच कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रैंप इन वन स्ट्रेच, पहले का जो पुराना है कोई पढ़े होगा तो उसमें 10 मीटर दिया हुआ है, लेकिन अब जो बढ़ के क्या हो गया है, 50 मीटर हो गया, मतलब ऑप्शन सी ठीक है। ऑप्शन सी जो भी बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, पहले क्या था पुराने वाला में 10 था जो अब हटा दिया है। रैंप किसके लिए यूज किया जाता है, क्या उसमें डंपर दौड़ा देंगे या क्राउलर माउंटेड के लिए है या दोनों के लिए है या रेल ट्रैक है, तो बहुत लड़का लोग बोथ देख के ही उसका मन डोल जाएगा, है ना। एग्जाम के टाइम में बोथ देख के भी कॉन्फिडेंस रहेगा, लड़का क्राउलर मारना है लेकिन देख लिया बोथ तो मन थोड़ा डोलेगा कि अरे यार ले लो टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्राउलर माउंटेड मशीन, ठीक है। 20 सभी का सही है। व्हाट इज द, देखो अब एक एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ गया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था होल रोड वाला ग्रेडियंट वाला, और ये भी क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट अलाउड फॉर एनी रोड इन द माइन। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ रहता है वहां पे और ग्रेड होल रोड का क्वेश्चन नहीं रहता, तो पक्का सब लड़का लोग इसका आंसर 1 in 16 मार के आता, जो कि आंसर गलत हो जाता। स्टीपेस्ट रोड जो माइंस का होता है वो कौन सा है, रैंप भी एक तरीके से क्या है, होल रोड का एक पोर्शन है, पार्ट है, वो भी एक तरीके का रोड है, लेकिन क्रॉलर माउंटेड मशीनरी के लिए। तो स्टीपेस्ट क्या है, 1 in 10 है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, विड्थ ऑफ द बर्म एट द टॉप एंड बॉटम में क्या होगा, बर्म हो गया, पारापेट वाल हो गया, इसका विड्थ क्या होगा टॉप में या बॉटम में, हमेशा ये फिगर ध्यान रखना है कि हम क्लास में इस तरीके से फिगर बताए हुए थे। तो टॉप में क्या होता है, 1 मीटर, बॉटम में क्या होता है, 2.5 मीटर। और हम देखो एक टेस्ट में क्वेश्चन में क्या दिए हुए थे, इसको चेंज कर दिए थे कि बॉटम में क्या होता है टॉप में क्या होता है, हम ये क्वेश्चन चेंज कर दिए थे, ऑप्शन बॉटम पूछे थे और टॉप पूछे थे, तो लड़का लोग बहुत लड़का लोग है ना यही मारा था 1 और 2.5, क्योंकि वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं था। तो तुम लोग भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि बॉटम टॉप पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है, टॉप बॉटम पूछा है, तब 1 और 2.5 होगा। इसका हाइट क्या होगा, जो लार्जेस्ट टायर है, लार्जेस्ट टायर उसके डाया से कम नहीं होना चाहिए, लार्जेस्ट टायर के डाया से कम नहीं होना चाहिए। तो हाइट ऑफ बर्म क्या होगा, इक्वल टू डायमीटर ऑफ टायर, ठीक है, इक्वल टू भी हो जाएगा या ग्रेटर देन भी रहेगा, दोनों सही होगा। इक्वल टू 1/3 नहीं, 2/3 नहीं, तो मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि जो डायमीटर ऑफ द डंपर व्हील 2.4 मीटर दे दिया है, तो उस केस में हाइट ऑफ बर्म क्या होगा, 1.6 होगा, नहीं 2 होगा, नहीं 1.8 होगा, नहीं मतलब क्या होगा, 2.4 होगा। क्या बोल रहे हो यार सौरभ, तुम माइनिंग पहली बार पढ़ रहे हो, पूछ रहा बर्म में क्या होता है। बर्म एक तरीके से बोलो सेफ्टी के लिए ओपन कास्ट माइंस में प्रोवाइड किया जाता है, जो एज में, जैसे मान लो ये होल रोड है, होल रोड है, इधर मान लो ये एक बेंच है नीचे, यहां से अगर यहां से इधर देखोगे नीचे गिरने का चांस रहेगा, डंपर नीचे गिर सकता है, तो क्या करेंगे हम लोग साइड में यहाँ पे मटेरियल डाल देंगे, बर्म बना देंगे साइड में, बर्म बन गया। आप क्या है, डंपर चलेगा एकदम बेखौफ होकर चलेगा रोड में, देखते हो रोड में कहीं जाओ सिक्किम वगैरह तरफ तो कितना डर लगता है, अगर मान लो किसी रोड में साइड में जो बैरिकेडिंग फेंसिंग जो किया हुआ रहता है लोहा वगैरह का, ये अगर किया हुआ नहीं रहे तो कितना डर लगता है। तुम छत पे अपने जाओ
छत जब स्टार्टिंग में नया नया बनता है, जब चारों ओर बाउंड्री नहीं किया जाता, खड़ा होकर देखो कितना डर लगता है, तो वही है सिचुएशन। ठीक है, वही सिचुएशन है यहाँ, बर्म वही होता है, सेफ्टी के लिए दिया जाता है वो। विच वन ऑफ द ट्रू इन केस ऑफ कंडीशन ऑफ होल रोड, होल रोड के केस में कौन सा इसमें से सही है? तुम लोग समझाने का ना, बहुत लड़का लोग बोल रहा है सर बहुत स्लो चल रहे हैं, अब हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, सिक्किम गए नहीं है, सिर्फ वीडियो देखे हैं अभी। ठीक है, अब टाइम कहाँ मिल रहा है, तुम लोग से फुर्सत मिलेगा तब तो, तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए फिर फुर्सत ही फुर्सत है, उसके बाद ब्रेक लेके जाएंगे। विच वन ऑफ द ट्रू इन केस ऑफ कंडीशन ऑफ होल रोड, तो सेपरेट होल रोड प्रोवाइड करना चाहिए लाइट व्हीकल के लिए सही है, टू व्हीलर के लिए या पैदल चलने वालों के लिए, मतलब क्या होल रोड में चलना अलाउ नहीं है, ये भी सही है। रोड साइन विथ फ्लोरोसेंट पेंट होना चाहिए, सही है। सुटेबल ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, सही है। तो मतलब सारा का सारा सही है। यहाँ पे क्या है, टू प्रिवेंट चांसेस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल कि वो हीट या क्रस्ट कर जाए डंपर इन ओपन कास्ट माइंस से, उसके लिए क्या हम लोग को डीजीएमएस का जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। तो वाइड रोड इन माइंस फॉर लाइट मोटर व्हीकिल बाय कंट्रोलिंग द स्पीड, ठीक है। सेपरेट रोड भी होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डस्ट सेपरेशन भी होना चाहिए, ऑल ऑफ द होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सब क्वेश्चन पढ़ के, मतलब क्वेश्चन पढ़ के बनता है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता। ये कैसे बनता है, कॉमन सेंस से बनता है, क्वेश्चन पढ़ के मीनिंग समझ में आना चाहिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन सी, सी भी है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन कि हिट ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो सेपरेट रोड तो देना ही चाहिए, ठीक है। अगर डस्ट माइंस में मान लो उड़ता हुआ रहेगा तो हो सकता है कि वो दोनों देख ना पाए, ठीक है ना, देख ना पाए। कौन ना देख पाए, जो ऑपरेटर है डंपर का, वो लाइट व्हीकल वाले को देख ना पाए, चोट लगने का चांस हो उस केस में। लाइट मोटर व्हीकल के लिए हम लोग सेपरेट रोड भी प्रोवाइड करना चाहिए। बुक में क्या है, 96 का सी दिया हुआ है ना, ना सब होना चाहिए, चांसेस पूछ रहा नहीं कि हिट ना हो। सेपरेट रोड तो प्रोवाइड करना चाहिए, सीधा चीज ये सर्कुलर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये चीज ऊपर सर्कुलर में लिखा हुआ है। बाकी है कि जो डस्ट डीजीएमएस में, हाँ डीजीएमएस में ये सी दिया हुआ है, लेकिन ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, नहीं, अब मान लो जहां सेपरेट रोड नहीं मिल रहा है, जहां पे क्रॉसिंग करना है, तो उसके लिए भी दिया हुआ है ना कि बैरियर यहाँ लगा देंगे 30 मीटर के, विद इन 30 मीटर क्रॉसिंग के क्या करेंगे, वहां पे बैरियर मतलब ब्रेकर दे देंगे, क्रॉसिंग पे आदमी लोग को वहां तैनात कर देंगे, मेन रहेगा क्रॉसिंग, ये सारा चीज भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन दिया हुआ है। पर क्वेश्चन में वो नहीं बोला है क्योंकि डस्ट से सेपरेशन, अगर मान लो पूरा डस्ट उड़ रहा है, ठीक है, सेपरेट होल रोड तो होना ही चाहिए, सेपरेट होल रोड जहां नहीं है तो वहां तो क्रॉसिंग हो जाता है, और जहां पे सेपरेट रोड नहीं है, एक ही रोड में आना जाने का दोनों का दिया हुआ है, ठीक है ना, एक ही रोड है, अब वही यूज किया जा रहा है, तो उस केस में हम लोग डस्ट सेपरेशन वगैरह का प्रॉपर में ये सब सारा चीज होना चाहिए। अच्छा देखो क्वेश्चन में वैसे है ना, ये जो डीजीएमएस वर्ड यूज कर दिया है ना, ये जो क्वेश्चन में अभी ध्यान गया, ये जो डीजीएमएस वर्ड यूज किया है ना, इसलिए वो बुक में आंसर सी को लिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये डीजीएमएस वर्ड यूज नहीं करता है, अगर ये डीजीएमएस वर्ड यूज नहीं करता है, तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव टिक करते हैं,
यहाँ पे सिर्फ डीजीएमएस के कारण ये ऑप्शन को सी कंसीडर कर रहा है, ठीक है ना। अगर डीजीएमएस नहीं रहता तो हम लोग सारा कंडीशन को सही मान लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है सिर्फ, इसलिए सिर्फ डिफरेंस आया है, ठीक है, क्योंकि डीजीएमएस वर्ड यूज कर दिया है ना इसलिए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इनएडिक्वेटली मेंटेन्ड होल रोड। तो क्या हो जाएगा इसका, होल रोड में बम्प या मडी एरिया रहे तो इनएडिक्वेट बोलेंगे ही, अगर ग्रेडियंट सही नहीं है तो भी इनएडिक्वेट हो जाएगा, बर्म में सही से नहीं बनाया गया तो इनएडिक्वेट हो गया, पोर्ट होल रहा या वाश आउट रहा तो ये भी हो गया, मतलब ऑल ऑफ द एबव हो गया, ठीक है। द विड्थ ऑफ द थोरोफेयर फॉर ए रेलवे वेगन शैल नॉट बी लेस देन, जो थोरोफेयर मतलब रेलवे जहां चल रहा है, लोकोमोटिव चल रहा है, तो आसपास से उसको क्लियरेंस कितना चाहिए, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25, ये सभी को पता होगा 5 मीटर है, ठीक। ये भी क्वेश्चन है ना, ये छुपा रुस्तम वाला क्वेश्चन है कि ये लड़का लोग ये क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना, रेगुलेशन में ऐसा जगह छुपा कर इसको दे दिया है तो कोई लड़का लोग देखेगा ही नहीं और छूट जाएगा, ठीक है, इसलिए ये जूम नहीं होगा, ये इतना ही स्क्रीनशॉट हो पाया है, ठीक है, 5 मीटर ध्यान रखना। नो मेटेरियल सेल बी प्लेस्ड और डम्प्ड, यही किसी लड़का का क्वेश्चन आया है जो बहुत स्टार्टिंग में ही पूछ दिया था, नो मेटेरियल सेल बी प्लेस्ड और डम्प्ड विद इन एटलीस्ट 1.5 मीटर फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द ट्रैक ऑफ रेल, मतलब ये रेल है, अब इसके दोनों साइड में कितना मीटर तक मेटेरियल को नहीं डंप करना है, तो क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। ये सब दोनों क्वेश्चन जो है ना साथ में दिया हुआ है जिस पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, ये रेगुलेशन नंबर कितना में दिया हुआ, शायद 102 में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये रेगुलेशन नंबर 102 का चीज है जो बहुत लोग का है कि नहीं पढ़ते हो तो उसको ध्यान रखना है, जितना मैक्सिमम तुम लोग का ये कवर हो जाए बढ़िया है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ वेगन्स 102 नंबर में दिया हुआ है। वेयर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड विद इन, ये 102 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना, विद इन एटलीस्ट 10 मीटर ऑफ एनी हॉलेज रोड, होल रोड ए सब्सटेंशियल फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड। जब कोई बिल्डिंग रहेगा वो हॉलेज रोड वे से या रेल लाइन से कितना विद इन कितने दूरी पे आ जाएगा कि फेंसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो फेंसिंग वाला का सभी जगह देखना, मोस्टली सभी जगह 15 मीटर ही दिया हुआ है, ठीक है, तो 15 मीटर पे ऑप्शन नंबर डी। ये सेम क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस जो अभी 100 नंबर क्वेश्चन पड़े यही सेम क्वेश्चन है, मतलब इसका भी आंसर 15 मीटर। इसका क्या होगा, फेंसिंग सेल बी इरेक्टेड मेंटेन्ड अराउंड द एक्सकेवेशन इफ एनी माइनिंग ऑपरेशन एक्सटेंड्स विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए पब्लिक रोड और एनी बिल्डिंग। ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ फेंसिंग सेल बी इरेक्टेड एंड मेंटेन अराउंड द एक्सकेवेशन बोला है, इफ एनी ऑपरेशन एक्सटेंड्स विद इन डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम पब्लिक रोड। ये रेगुलेशन नंबर कितना मिलेगा, ये तो रेगुलेशन नंबर 15 बहुत लोग बोल रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा चेक करना होगा एक बार, 45 मीटर वाला कहाँ दिया हुआ होगा, ये रेगुलेशन नंबर कोई 45 और 15 बोल रहे हो ना, 128 नंबर रेगुलेशन, ठीक है, हम रेगुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि तो यही सब क्वेश्चन है कि एग्जाम में फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लगेगा सारा पढ़े हुए हैं फिर भी एग्जाम में फंस रहे हैं। फेंसिंग एंड गेट में देखो यहाँ क्या है, 15 मीटर ही दिया हुआ है लग रहा है। वेयर एन एक्सकेवेशन विच हैज बीन फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन एक्सटेंड्स विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए पब्लिक रोड और एनी बिल्डिंग सब्सटेंशियल फेंसिंग शैल बी इरेक्टेड। देखो कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो सकता था एग्जाम में, है ना, कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो सकता था एग्जाम में,
जो अब गलत नहीं होगा। फेंसिंग गेट में क्या है, 15 मीटर ही है। पैतालीस मीटर क्या बोल रहे हो तुम लोग, चेक कर लेते हैं। हाँ, वर्किंग अंडर रेलवे और रोड के ये जो है ना, नो वर्किंग सेल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर सेल बी कंडक्टेड और एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ एनी रेलवे और ऑफ एनी पब्लिक वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस रेगुलेशन इज अप्लीकेबल। देखो, ये फेंसिंग की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये फेंसिंग की बात नहीं किया है कि रेलवे रोड के अंदर में जब काम किया जा रहा है ना, तो हम लोग मान लो ऊपर में रेलवे है और नीचे वर्किंग कर रहे हैं, तो उस केस में बोल रहा है कि नो वर्किंग सेल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन रिडक्शन सेल बी कंडक्टेड और एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ एनी रेलवे और एनी पब्लिक रोड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस रेगुलेशन, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, यही सब क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। अ स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर, और अगर करना हो काम तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा। हाँ, ये अंडरग्राउंड के लिए है, जब हम लोग अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर 15 मीटर ही है और रेलवे वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर 45 मीटर है। मैच करो, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्या क्या है। लोकोमोटिव 100 नंबर में आंख बंद करके, अब एस का दो खोजो, एस का दो एक ही दिया हुआ है ना, मतलब ऑप्शन तो यही होना चाहिए। फिर पी का 1, क्यू का 3, आर का 4, है ना। तो देखो, एक ही ऑप्शन से पकड़ में आ गया कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना। 96 में हॉलेज रोप है, 92 में हॉलेज रोडवे है, 93 में ट्रेवलिंग रोडवे है, 94 में क्या हो गया, टब और उसका मूवमेंट हो गया, 95 में नहीं बताएंगे, 96 में हॉलेज रोप हो गया, 97 में कन्वेयर का रोडवे हो गया, 98 में एग्जामिनेशन हो गया हॉलेज इंजन का, और 99 में एग्जामिनेशन हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे का, 100 में लोकोमोटिव हो गया, ठीक है। बी में क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है क्या, हॉलेज रोडवे, तो हॉलेज रोडवे हो गया 92 नंबर, लोकोमोटिव हो गया 100 नंबर, रोड्स फॉर ट्रक एंड डंपर ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है 101 नंबर, ओपन कास्ट से रिलेटेड है, और कन्वेयर 97 में हो गया। तो ये कहाँ आ गया, पी का 1 है, ठीक है, पी का 1, क्यू का 3, पी का 1 क्यू का 3 यहीं से आ गया, तो इसका भी ऑप्शन बी हो गया। विच रेगुलेशन ऑफ सीएमआर 2017 बोलता है कि एसएमपी के बारे में बताता है, कौन सा रेगुलेशन, 91, 104, 106, 123। रेगुलेशन नंबर 104 एसएमपी के बारे में बताता है। एसएमपी क्या होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, तो 104 हो गया, एसएमपी क्या हो गया, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हो गया। थर्ड का क्या हो गया, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन, ओनर एजेंट मैनेजर प्रत्येक माइन का, सेफ्टी कमिटी जो माइंस का है उसके उसका और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ के साथ कंसल्ट करके सेल डिटरमाइंड ऑल मेजर्स नेसेसरी टू, किसका फुल फॉर्म बता दें, फुल
फुल फॉर्म वाला वीडियो, तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट यानी रिकॉर्डेड रिस्क, हाँ कंट्रोल, हाँ मिनिमाइज भी करना है, ये भी करना है। इसका तुम देखो एक चीज हम पहले बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा एसएमपी के बारे में थोड़ा डिटेल देना चाहते हो, बस सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का एग्जाम में है ना, अभी तक मान लो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो एक दो तीन बार हुआ है, तो तीनों बार ये क्वेश्चन आया है। फर्स्ट बार जब हम भी मतलब हाँ हमसे भी ये क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमसे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पढ़ के ही नहीं गए थे, ये सर्कुलर में दिया हुआ था। तो ये क्या हुआ है कि जैसे मान लो कहीं पे हजार्ड्स प्रेजेंट है, कुछ भी खतरा कहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग पहले क्या कोशिश करेंगे, खतरा को एलिमिनेट कर देंगे। अगर खतरा एलिमिनेट हो गया पूरे तरीके से, या खतरे में जो मतलब या स्टेप है कोई, अगर उस स्टेप को रिमूव कर दे रहे हैं कि खतरा पूरा निकल जाए, तो क्या होगा, हजार्ड्स पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो वो 100% रिमूवल हो गया। अगर किसी चीज को तुम एलिमिनेट कर ले रहे हो तो मतलब क्या हो गया, वो 100% हट गया, वो चीज खतरा हट टल गया। अब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन है कि उस चीज को किसी से सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, जैसे मान लो क्रिकेट खेलता है क्रिकेटर, कि जब क्रिकेट होता है किसी को चोट लग गया तो क्या होता है, उसके जगह पे कोई दूसरा फील्डिंग करने आता है, मतलब क्या किया एक तरीके से उसके जगह पे किसी दूसरे को ला दिया। तो वही यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, रिप्लेस विथ लेस हजार्डस मटेरियल, जो बहुत ज्यादा हजार्डस मटेरियल था उसके जगह पे कम हजार्ड्स वाले को लाए हैं, इसके थ्रू क्या होता है, कितना खतरा कम होता है, 75% से। खतरा कितना परसेंट से कम होता है, 75% से। सेपरेशन मतलब क्या है, ये जो खतरा वाला जगह है ना इसको सेपरेट कर दो, आइसोलेट कर दो, खतरा प्रेजेंट बना हुआ रहेगा लेकिन क्या करना है उसको अलग कर देना है, तो उससे क्या होगा, फेंसिंग वगैरह मान लो दे दिए वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, इसे खतरा 50% टलेगा। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या करेंगे, एडजस्टिंग द टाइम और कंडीशन ऑफ रिस्क एक्सपोजर, बता रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना पता चल जाएगा, एडजस्टिंग द टाइम और कंडीशन ऑफ रिस्क एक्सपोजर, मतलब इसमें क्या है कि जिस टाइम ज्यादा खतरा है उस टाइम वहां पे आदमी लोग को प्रेजेंट रहने नहीं देंगे, मतलब टाइम के अनुसार वहां रखेंगे नहीं रखेंगे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया, तो इसके थ्रू खतरा 30% कम करते हैं। और ट्रेनिंग के थ्रू कि वर्कर लोग को एकदम स्किल का ट्रेनिंग दे देंगे, उसको स्किल टेस्ट, स्किल टास्क, लेस हजार्डस टू पर्सन इन्वॉल्व, मतलब इसके थ्रू 20% एलिमिनेट होता है। और लास्ट में क्या करेंगे, पीपीई प्रोवाइड कर देंगे, तो इसके थ्रू खतरा को कितना कम कर सकते हैं, वो मात्र 5% बचा जा सकता है। तो ये तुम लोग को इसी स्टेप में याद रखना है कि पहले क्या है, खतरा कोशिश करेंगे पूरा एलिमिनेट करने का, अगर एलिमिनेट नहीं होता है, खतरा पूरा हटता नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, कम खतरा वाले से रिप्लेस कर देंगे, कम खतरा वाले से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर भी खतरा तो वहां बना हुआ है, तो खतरा को हम लोग आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ट्रेनिंग देंगे और पीपीई देंगे, तो ये तुमको रटना होगा, ई एस एस एटीपी। एटीपी तो सभी को पता रहता है, एटीपी इसके ऊपर ई एस एस है, यह सैटरडे ये हो गया, इसको इसी एटीपी याद रखो, और ऊपर में ई एस एस है, ई एस एस से क्या हो गया, इससे एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन आता है कि एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग किसी खतरा को कितना परसेंट से कम कर सकते हैं, तो हो सकता है कहीं 100 दिया हो रहता है, कहीं 95 दिया हो रहता है, तो 95 वाला भी आंसर टिक करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एलिमिनेशन क्या हो गया, 100% खतरा टल गया, सब्स्टिट्यूशन में 75% खतरा टलेगा, सेपरेशन में 50%, एडमिनिस्ट्रेटिव में 30%, 30 20 5, मतलब ये 100 75 50 30 20 5, ये डाटा तुम लोग रखना है, क्वेश्चन देख लो इस पे। इसका एक एग्जांपल देखो कि एलिमिनेशन इधर क्या है, टाइप ऑफ कंट्रोल, इधर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेशन कंट्रोल। अब क्या है कि ये होल रोड था, होल रोड में डंपर भी चल रहा है, लाइट व्हीकल भी चल रहा है, तो हम लोग को पूरा खतरा हटा देना है,
तो क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट वोट दे देंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एलिमिनेशन कंट्रोल का, सेपरेट वोट दे दिए। अब सेपरेशन कंट्रोल है, सेपरेशन कंट्रोल में क्या हो गया, ये सेपरेशन कंट्रोल ये हो जाएगा, इसमें एलिमिनेशन कंट्रोल, एक मिनट एक मिनट, ठीक, इसको उल्टा से चलते हैं, ठीक है ना, दो चीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम दूसरे तरीके से चलते हैं। हम लोग इन क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, और एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या करेंगे हम लोग, सेफ्टी बेल्ट दे देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या करेंगे हम लोग, एसओपी बना देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एसओपी बना देंगे, ठीक है ना, ये इसको हटाते हैं अभी, ये नहीं है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, इंजीनियरिंग कंट्रोल। सेपरेशन कंट्रोल में क्या हो गया कि हम लोग सेपरेट रूट बना दिए, किसके लिए, लाइट व्हीकल के लिए और हॉल रूट्स के लिए। एलिमिनेशन में क्या है कि ब्लास्टिंग से जो खतरा है उसके जगह पे हम लोग क्या किए हैं, सरफेस माइनर यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ सरफेस माइनर।